हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं आपको अपना ज्वेलरी कलेक्शंस बताने वाली हूँ, साथ में ये भी बताने वाली हूँ कि मैं कौन से ड्रेस के साथ कौन से ज्वेलरी वेयर करती हूँ। तो आइए मेरे साथ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ज्वेलरी का कलेक्शंस है। मेरा ये कलेक्शन बताने का इंटेंशन ये था कि मोस्टली टाइम अपने साथ ऐसा होता है कि जब हम कुछ ड्रेस वेयर करने जाते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ये हो जाता है कि हम इसके साथ एक्सेसरीज में वेयर क्या करें। सो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपना कलेक्शन कैसे यूज़ करती हूँ, कि हर समय तो ऐसा नहीं होता है कि अपने पास मैचिंग्स अवेलेबल हो या परफेक्ट कलेक्शन अवेलेबल हो। सो, मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपना कलेक्शन कैसे यूज़ करती हूँ अगर मैं कोई ड्रेस यू वेयर करती हूँ तो। सो, मैं बताती हूँ आपको कि ये जो है ये मोस्टली टाइम मैं पार्टी वेयर के लिए ही इसे यूज़ करती हूँ। जैसे वेस्टर्न पार्टी वेयर के लिए भी वेयर में आ जाता है मेरे ये, और एथनिक में भी नॉर्मली वेयर आ जाता है। वो डिपेंड करता है कि मैं ड्रेस कौन सा वेयर कर रही हूँ। सो, ये एक कलेक्शन है। ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरे कलेक्शंस में, क्योंकि ये छोटी सी भी है और यूज़फुल भी है। मतलब ये ना, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि मैं कौन से ड्रेस में परफेक्ट इसे वेयर करूँ। ये मुझे जो भी ड्रेस में मतलब लगता है कि वेयर कर लेना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ। वेस्टर्न, एथनिक, इंडो वेस्टर्न, जिसमें भी मुझे लगता है कि इसे वेयर करना है तो मैं कर लेती हूँ। एक्चुअली ये थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, ऐसा कलेक्शन है, ये गोल्डन कॉपर कलेक्शन में है। इसमें मेरे पास ये बैंगल रिंग्स है, तो ये भी मैं मोस्टली टाइम वेस्टर्न में ही यूज़ करती हूँ, और एकदम लाइट वेट होता है ये मेरे लिए, तो मैं इसे कैसे भी कैरी कर सकती हूँ। तो ये देखिए कलेक्शंस, ये एक ऑप्शन है मेरे पास में जो मैं इसे वेस्टर्न में ज़्यादातर यूज़ करती हूँ, वेस्टर्न पार्टी वेयर्स के लिए। और मैं इसे ना अब थोड़ा बोर हो चुकी हूँ, तो मैं इसको सोच रही हूँ कि अब मैं इसका कुछ DIY करूँ। सो, मैं इसका वीडियो भी आपको जल्दी शेयर करूँगी। मैं ये कलेक्शंस का ना, एक्चुअली ये 1 पेयर का मैं 3 पेयर कलेक्शन करने वाली हूँ। सो, मैं ये बहुत जल्दी आपको बताऊँगी। ये आप देख रहे होंगे, मैंने सब में ऐसे टैग यूज़ किया हुआ है। तो ये कैसे रहता है, जब अपन अपने बॉक्स में रखते हैं ना, तो ये कैसे मिक्स नहीं होते और ऐसे ढूंढने में फिर प्रॉब्लम नहीं जाती है। तो एक पेयर एक में लगा रहता है तो फट से हमें मिल जाता है, इसलिए मैं सारे में छोटी छोटी चीट्स ऐसे फंसा के रखी हूँ। ये एक फ्लैट ईयरिंग्स है, तो इसे भी मैं अपने इंडो वेस्टर्न, वेस्टर्न और एथनिक में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। एथनिक और इंडो वेस्टर्न में ज़्यादा इसे यूज़ करती हूँ, और ये वेयरिंग पे भी बहुत स्मार्ट लगता है और इसका लुक ही बहुत डिफरेंट आ जाता है जब अपन इसे वेयर करते हैं तो, सॉरी, जब मैं इसे वेयर करती हूँ तो। ये ईयरिंग्स को मैंने ना एक्चुअली मैचिंग ड्रेस के लिए लिया था, बट अब मैं ऐसे क्या करती हूँ, हर समय मैचिंग तो वेयर नहीं कर सकती हूँ रेड के साथ रेडी। सो, मैं अभी क्या करती हूँ, जो भी मेरा पॉप कलर ड्रेस होता है, सॉरी, डार्क शेड में कोई ड्रेस होता है, लाइट शेड में कोई ड्रेस होता है ना, तो उसके साथ मैं इसे वेयर कर लेती हूँ। लाइक वेस्टर्न या फिर एथनिक, इंडो वेस्टर्न, ये भी तीनों में चला जाता है। तो मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि यार ये रेड है तो मुझे किसी के साथ मैचिंग ही करना है, जिसमें अगर मिक्स होता है ये ड्रेस, सॉरी ईयरिंग, कि मुझे पहनना है तो मैं इसको पहन लेती हूँ। और ये डार्क शेड है तो इसके साथ मैं लाइट ड्रेस अगर कुछ वेयर करती हूँ तो मैं इसके साथ इसे वेयर कर लेती हूँ। ये एक जो कलेक्शन है मेरा, ये इंडो वेस्टर्न और एथनिक में आता है, सॉरी वेस्टर्न में आता है। तो मैं इसे ज़्यादातर यूज़ वेस्टर्न में वेयर करती हूँ, और इंडो वेस्टर्न जब मैं अगर कुछ वेयर करती हूँ तो उसमें वेयर कर लेती हूँ इसको। मैं आपको जो भी कलेक्शन अभी बता रही हूँ ना, ये सारे कलेक्शन मेरा जब नेक्स्ट वीडियो रहेगा ना, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जब कपड़ों को वेयर करूँगी ना, तो उसके साथ में मैं मिक्स एंड मैच करके ज्वेलरी भी वेयर करूँगी। तो आपको नोटिस होगा ये कि मैंने हाँ लास्ट टाइम इसे बताया था, तो अब मैं इसे किस तरीके से कौन से ड्रेस के साथ वेयर कर रही हूँ। ये कलेक्शन है, ये मैंने जब लिया था तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा था। मैंने ऐसा सोच के नहीं लिया था कि पर्टिकुलर कोई मैचिंग ड्रेस में मैं इसे वेयर करूँगी। एक्चुअली अभी तो ये कलेक्शन ऐसा है, ग्रीन कलर की सबके साथ में ही चल जाता है, वैसे तो लाइट शेड में वेयर करना चाहिए इसे, बट ये भी मैं मोस्टली टाइम ऐसा वेयर कर लेती हूँ कि अगर कोई ड्रेस मैच हो रहा है इसके साथ में तो मैं मैच कर लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई लाइट शेड के साथ इसे वेयर कर लेती हूँ। ये एक टॉप स्टाइल में है, ये टॉप्स में इसे एथनिक में भी यूज़ किया जा सकता है और वेस्टर्न में भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और इंडो वेस्टर्न में तो प्रॉपर ही चला जाएगा। तो ये मैं इसे तीनों में वेयर कर लेती हूँ।
ये एक ऑप्शन है, ये थोड़ा लॉन्ग है, ये मेरे ना शोल्डर तक आता है प्रॉपर, तो ये भी मैंने ऐसा कुछ सोच के नहीं लिया हुआ है, जस्ट ऐसे ही लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मैंने ये अपनी अपनी फ्रेंड से मंगवाया था। तो ये कलेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगता है वेयरिंग के लिए, और मोस्टली टाइम ये मेरे वेस्टर्न ड्रेस में ही जाता है तो मैं इसे वेस्टर्न में ही यूज़ करती हूँ। तो कलेक्शन है, इसे मैं ज़्यादातर एथनिक में वेयर करती हूँ और इंडो वेस्टर्न के लिए वेयर करती हूँ। वेस्टर्न के लिए मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे फिर मतलब वो डिपेंड करता है मेरे ड्रेसअप पे कि मैं वेस्टर्न में कौन सा वेयर कर रही हूँ और मुझे ये किस पे वेयर करना चाहिए। ये जो कलेक्शन है मेरा, ये मल्टीपर्पज़ यूज़ में आता है, इसे मैं एथनिक में भी वेयर कर लेती हूँ कैजुअली, और वेस्टर्न में भी वेयर कर लेती हूँ, और इंडो वेस्टर्न में भी इसे मैं कैरी कर लेती हूँ। ये बहुत लाइट वेट में आता है मेरे और ये सभी में सूट कर जाता है, तो ये भी मुझे वेयरिंग के लिए बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये कलेक्शन है, ये मैं मोस्टली टाइम इसे इंडो वेस्टर्न में यूज़ करती हूँ और सॉरी वेस्टर्न में यूज़ करती हूँ। एथनिक में मैं ऐसे बहुत कम यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरी कोई ड्रेस पे ज़्यादा ना सूट नहीं कर पाता है, तो मैं इसे वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न में यूज़ करती हूँ। ये तो प्रॉपर मेरा वेडिंग कलेक्शन में ही ज़्यादातर यूज़ होता है मोस्टली टाइम, और एथनिक में कोई सेमी पार्टी जैसे कुछ होती है तो उसमें फिर वो ड्रेस के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसीलिए बट ये ज़्यादातर मेरे एथनिक में ही यूज़ होता है। इसे भी मैं प्रॉपर एथनिक में ही यूज़ करती हूँ, हैवी ज्वेलरी या फिर डिपेंड करता है, अगर मैं लाइट वेयर कर रही हूँ तो ये मेरे हैवी ज्वेलरी के कलेक्शन में आता है क्योंकि ये वेयरिंग करने पे बहुत हैवी लुक देता है इसका, तो मैं इसे ज़्यादातर एथनिक में यूज़ करती हूँ। और साड़ी अगर मैं पहनती हूँ तो सबसे ज़्यादा मैं इसे ही वेयर करती हूँ क्योंकि ये सभी में मेरे सूट हो जाता है। ये जो कलेक्शन है मेरा, ये मेरे इंडो वेस्टर्न में ज़्यादातर यूज़ होता है, बाकी कोई चीज़ में मैं ऐसे यूज़ नहीं कर पाती हूँ, ना ही मैं करती हूँ, बट जब मैं इंडो वेस्टर्न कुछ वेयर करती हूँ तो मैं उसी के साथ ही इसे मिक्स एंड मैच कर लेती हूँ। कलेक्शन है, ये भी मैंने प्रॉपर मतलब ड्रेस का मैचिंग ही लिया था एथनिक के लिए, इसे भी अब मैं ऐसे कलेक्शन में यूज़ कर लेती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं इसे मैचिंग ही वेयर करूँ, बट ये जिसमें सूट हो जाता है एथनिक में तो मैं इसे वेयर कर लेती हूँ प्रॉपर, मतलब एथनिक में ही यूज़ करती हूँ इसको। और ये इयररिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, लॉक हैंगिंग बेल इयररिंग है ये, एक्चुअली ये जो घंटी टाइप का लुक होता है ना वैसा इसका लुक है, और ये वेयरिंग में थोड़ा सा हैवी है बट ये वेयरिंग पे बहुत स्मार्ट लगता है और बहुत अच्छा भी लगता है इसे देखने पे, और ये वेयरिंग करने पे बहुत अच्छा लगता है, और इसे मैं मोस्टली टाइम एथनिक में पार्टी वेयर के लिए यूज़ करती हूँ, तो ये बहुत अच्छा लुक देता है मुझे। ये इयररिंग है जो छोटी सी है बट इसका जो कलर है वो पेस्टल कलर दिया हुआ है, दोनों भी ये वाइट पेस्टल है और ये पिंक डस्टी पेस्टल है, तो ये भी मेरे ना सारे ड्रेसअप पे चला जाता है मोस्टली टाइम पे, बट वही है कि मुझे डिपेंड करता है कि मैं कौन सा ड्रेस वेयर कर रही हूँ, ये मेरे सारे लुक पे प्रॉपरली सूट कर जाता है। ये इयररिंग जो है ये सारे ज्वेलरी में सबसे हैवी इयररिंग है अभी तक की मेरी, और इसे मैं जब मैं साड़ी वेयर करती हूँ ना तब इससे वेयर करती हूँ ज़्यादा टाइम पे, अदरवाइज़ मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये बहुत हैवी लगता है मुझे वेयरिंग के लिए, बट जब इसे वेयर करते हैं ना तो इसका लुक बहुत प्यारा आता है, तो बट ये भी देखना पड़ता है कि ज़्यादा हैवी मैं अपने कानों में वेयर ना करूँ, तो बट ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाती हूँ, बट ये मेरा बहुत फेवरेट इयररिंग है, इसे मैंने देखते से ही पसंद किया था। इयररिंग है जो ये था तो कुछ और पर इसको मैंने बना कुछ और दिया है क्योंकि ये दो टॉप में था, इसका जो ऊपर वाला टॉप था ना वो थोड़ा ब्रॉड में था तो ये किस वजह से ना टूट चुका था, इसका जो पीछे जो पेच लगाते हैं ना वो डंडी टूट चुकी थी, तो इसका मैंने DIY किया था क्योंकि मुझे ये फेंकने का बिल्कुल मन नहीं हुआ था, तो मैंने ये मेरे पास ये हैंगिंग वाला रखा हुआ था तो मैंने इसके साथ अटैच कर लिया, तो अभी ये हैंगिंग वाले लुक में आ गया है, और ये मेरे एथनिक में बहुत अच्छे से सेट कर जाता है, पार्टी वेयर ड्रेस हो या फिर
एथनिक का कोई भी लुक है, मतलब पार्टी वेयर कोई भी लुक है, तो उसके साथ बहुत अच्छे से चला जाता है। तो इसको मैंने यूज़ कर लिया है। ये एक ऑप्शन है, ये भी फ्लैट में है और एकदम लाइट वेट है ये वाला, और इसकी डिज़ाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये तो मुझे जब मन करता है जो भी ड्रेस के साथ वेयर करना है तो मैं इसे वेयर कर लेती हूँ प्रॉपर। बट ये तो एथनिक में ही जाता है, बट इसमें मैं सभी में वेयर कर लेती हूँ। इसे तो मैं वेस्टर्न के साथ भी वेयर कर लेती हूँ और इसका लुक तब भी बहुत प्यारा ही आता है। चाहे आप टॉप के साथ वेयर कर लो या फिर पार्टी वेयर टॉप के साथ वेयर कर लो, जिसके साथ भी वेयर करो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो ये भी मेरा फेवरेट है कलेक्शन में। ये देखिए, एक ये है, ये मेरा एथनिक में एकदम कैजुअल वेयर है। ये इसे आप नॉर्मली वेयर कर लो तो ये इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मैं इसे हमेशा ना कैजुअली वेयर करती हूँ। कैजुअल मतलब कोई भी अगर एथनिक सिंपल ड्रेस वेयर कर ली तो इसके साथ मैं इसे हैंग कर लेती हूँ, तो उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। एथनिक का एथनिक लुक हो जाता है और वेयरिंग पे भी अच्छा लगता है, और ये इंडो वेस्टर्न में भी चला जाता है। सो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। आप मेरे ये हैंड्स को देख रहे होंगे, काफ़ी समय से ये ऐसे क्यों दिख रहे हैं। एक्चुअली मुझे समर में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है हाथों को, ये मेरे पाम्स को प्रॉब्लम होती है, तो ये ऐसे ही ना इसके ये देखिए ऐसे चल के निकलते जाते हैं मेरे हाथों को। बहुत प्रॉब्लम तो होती है बट कोई नहीं, समर का ही है, थोड़ा तो वो हो जाएगा। एंड ये लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, ये मेरी नोज पिन है। एक्चुअली मेरे पास दो नोज पिन है, एक सिमिलर ही दिख रही है आपको, शायद ब्लर हो रहा है ये थोड़ा सा। एक ये मेरा गोल्ड मेटल में है और एक में सिल्वर का है, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। ये दो ही नोज पिन है मेरे पास, वैसे तो मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती हूँ। ये इयररिंग्स वगैरह मुझे लेना बहुत अच्छा लगता है कलेक्शंस, बट हमारे फील्ड मेरे वर्क में जो रहता है ना वो ज़्यादा हम वेयर नहीं कर सकते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि फॉर्मली ही रहना पड़ता है वहाँ पे। सो ये हैंगिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं वेयर करना रहता है, सिर्फ सिंपली टॉप्स वगैरह हम वेयर कर सकते हैं। बट मुझे अच्छा लगता है कलेक्शन करके रखना, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे जब पहनना है तभी मैं खरीदूँगी, ऐसा नहीं है। जब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है मुझे ये मेरे पास होना चाहिए तो मैं इसे परचेस कर लेती हूँ, ले लेती हूँ। तो ताकि मेरा ऐसा रहता है कि यार मैं वेयर करूँ या ना करूँ बट वो चीज़ मेरे पास रहनी चाहिए, तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ। देखिए मेरा ये कलेक्शन ऐसा था। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हो आपको ये मेरी वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ट्राई करूँगी नेक्स्ट टाइम ये वीडियो में और अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूँ ज्वेलरी का। अभी तो फिलहाल मैंने गोल्ड ज्वेलरी का कलेक्शन बताया है, नेक्स्ट टाइम जब मैं आपसे शेयर करूँगी ज्वेलरी कलेक्शन तो मैं सिल्वर ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करूँगी। आई होप आपको ये सब अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ अपने आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय साईं राम, ध्यान रखिए अपना।